क्या बीजेपी हिंदुत्व के सहारे 2024 का चुनाव जीत पाएगी या नहीं? देखिए, साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं, जो 14 में आए थे डंके के चोट पर, वो 24 में नहीं आएंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, मैं लिख में दे सकता हूँ। भाई का कहना है, भाई का कहना है कि 16 घटक दलों ने मतलब महागठबंधन बनाया। एनडीए में कितने दल है ये बता दे। एनडीए में कितने? एनडीए में बता रहा हूँ, घटक पूछ रहे ना, ये अटक मटक घटक चटक, ये 18 चोर इकट्ठे हुए, टोटी चोर समाजवादी पार्टी के, चारा चोर, मुर्गी चोर, जिनकी भैंस गायब हो जाती वो, ये सारे इकट्ठे हो गए। एक मिनट, गठबंधन बनवाना चाह रहे हैं आप अगले, जो बिजनेस करते हैं पार्टनर, उनके कितने साल तक ये चलता है? चलता है। माननीय सोनिया गांधी जी, मेरी बात सुनिए, 420 का जो, एक मिनट, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, बड़ी पार्टी कांग्रेस मानते हो ना विपक्ष की, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, 420 के केस, 420 यानी धोखाधड़ी के केस, नेशनल हेराल्ड में 50,000 की जमानत पर है धोखाधड़ी के केस में। ये इनके नेता हैं। अब मैं बता दूं, सुन मेरी बात, 420 के केस है। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं दीदी, जस्ट सारे भाई प्यार से सुनना। मोदी ने मिस्र में गए समझौता किया, अमेरिका गए वहां स्वागत हुआ, हर जगह स्वागत हुए। अगर मोदी इतने बड़े सारे देशों से प्रेमी हैं, और जो इंडिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा, जो ब्रिटेन की महारानी के पास है इंडिया का कोहिनूर हीरा, इतने समझौते कर लिए, उस हीरे को लाके दिखा दो तो मानो तुम्हारा समझौते कामयाब है। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आ पाएगी? एकदम आएगी, बिल्कुल आएगी, ये धरती है जब तक 15 साल जी देश के प्रधानमंत्री है, ना कोई आया है ना कोई आएगा ऐसा प्रधानमंत्री, हमारे सबके हित के लिए है, बहुत बढ़िया, हिंदुओं मुसलमानों सबके लिए बढ़िया है, सबका साथ सबका विकास। तुझे मिर्ची लगी तो मैं करूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 52 साल के पप्पू राहुल गांधी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? एक माने 55 साल अपने बच्चे को सिर्फ बड़ा करने के लिए दे दिए। हाय राहुल गांधी, कुछ तो शर्म कर लो। मैं कहता हूँ, एक बंदा जिसकी 55 साल की उम्र हो गई, वो आटा लीटर में बांट रहा है, आंख मार रहा लोकसभा में, अरे भैया शर्म करो। मैं तो कहता हूँ, उनके नाम से गांधी हटा दिया ना तो चपरासी की नौकरी पे नहीं रखेगा कोई, चपरासी की नौकरी पे नहीं रखेगा। भागो राहुल गांधी, मैं कहता हूँ भागो। राहुल गांधी को भगाने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को नहीं जानते हैं। अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी को हम क्यों बताएं क्या कर रहे हैं? हम बिहार के हैं, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। आपके बारे में भी, आपके पे भी आऊंगी। ऐसा राज्य सरकार एक अलग चीज होती है और 2024 का एक इलेक्शन एक अलग चीज है, ठीक है। 2024 के अंदर हमें चाहते हैं कि मोदी जी आए, ठीक है, कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। चलिए आप, हेलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में आपसे बात, मैडम। अब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, अब कांग्रेस के लिए, हाँ, अब उसके बाद में योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, हाँ जी, हाँ, एकदम बनेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप मोदी मोदी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, अच्छा करेंगे उसी को मौका मिलेगा। अच्छा मिलेगा जो काम अच्छा करेंगे। ममता बनर्जी को बना देते हैं। चलो बे ये ना चल बे, मेरी कांग्रेस की घोटालों की लिस्ट, कांग्रेस की घोटालों की लिस्ट ऐसे जड़ तक गिनवाओ क्या? अच्छा कह रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट निकाल रहे हैं, मोदी के राज में तालाशाही कर रही है सरकार। कितना जुर्म हो गया, आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पैन कार्ड है, इनकी जेब में विक्टिम कार्ड है, भागो यहाँ से, इनके साथ गलत हो गया। ये बैठ के जान करेंगे और उसके बाद अगर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे उसके बाद इनसे कहेंगे कि हट जाओ तो ये भागो यहाँ से। दूसरे विपक्ष भाई, जुर्म हो गया, विपक्ष ऐसे ही मोदी से डरते हैं, इनके नजर में भाग रहे हैं, पहले तो सुन लो, इनके नजर में भाग रहे हैं, सब हम बुझा रहे हैं, हमारा काम है तो क्यों हम दूर से आए तो हम बुझाएंगे। जाते जाते बता के जाइए 2024 किसके पाले में जाएगा? चोर लालू यादव, महागठबंधन, महागठबंधन में अब्दुल्ला दीवाना प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री का नाम का अलायंस नहीं हुआ था ना, मंजिल बने ना, कश्ती भी जर्जर कैसे सफर है, ना मंजिल ना रबर ना अपने हवाएं, है कश्ती भी जर्जर कैसे सफर है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, तुम्हें भी यकीन नहीं, ये बताओ, ये देखो 2017 में यूपी में चुनाव हुआ, उस समय मुख्यमंत्री का
चेहरा का ऐलान नहीं होता। योगी आदित्यनाथ बने सस्पेंस, मनमोहन गठबंधन महागठबंधन सस्पेंस रखा हुआ है। क्या महागठबंधन तो खुद ही एकता नहीं है? महागठबंधन क्यों नहीं एकता है? हाँ, एकता है। सत्तर को बनने नहीं दिया था उस समय, सोनिया गांधी को बनने नहीं दिया गया था, इसलिए मनमोहन सिंह को बनाया गया था। चेहरा छुपाया नहीं था वो बिल्कुल, हाँ चेहरा छुपाया नहीं था वो। भाई सोनिया गांधी तैयार थी प्रधानमंत्री बनने को, लेकिन कुछ नहीं है, वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। नाम है इनकी मैडम का, नाम इनकी मैडम का नाम है, सांसद इनकी मैडम का नाम इनके मैडम का नाम है एंटोनियो माइनियो, एंटोनियो माइनियो। इनकी मैडम है सोनिया गांधी, जिनका असली नाम है एंटोनियो माइनियो। ये बताओ ये कांग्रेस पार्टी, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शैला गांधी हैं, ये यही राज करेंगे? गरीब का बच्चा नहीं बनेगा, टोटी चोर कहीं के तुम्हें सरकार बनाने देंगे? गाय भैंस बैल बकरी इनका चारा नहीं छोड़ रहे, आम आदमी का क्या करेंगे?